हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ आ रहे हैं। तो इसके पहले हमने फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया, और मैंने आपसे कहा था उसके बाहर सवाल जाएगा नहीं। अपन ने जितना पढ़ा है उसके बाहर सवाल जाएगा नहीं, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर जूलॉजी सेक्शन में आता है, और ये लास्ट चैप्टर और काफ़ी आसान चैप्टर है, और ये मैं कहूँगा कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें ज़्यादा याद कुछ रखना नहीं आपको, कंसेप्चुअल चैप्टर, कंसेप्ट क्लियर रखो, डायग्राम्स के थ्रू पढ़ो, और आसानी से आप लोग जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हार्मोन्स की। हार्मोन्स के एनसीईआरटी में तीन पॉइंट दिए गए। सबसे पहले तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, ठीक है, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, यानी कि दो सेल के बीच में हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और दे आर सीक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनती है, ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। एंड दे आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड होते हैं? दे आर डक्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। यही हमें बेसिकली इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमको पढ़ने, तो आज हमारा मुद्दा रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो पहले हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ये काफ़ी खास वाली ग्लैंड होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये लोकेटेड कहाँ पर होती है? सो इट इज़ लोकेटेड इन फोरब्रेन। फोरब्रेन में भी कहाँ पे होती है? डायनसेफेलॉन के अंदर लोकेटेड होती है, डायनसेफेलॉन। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के आजू बाजू बोनी कैविटी जो बनाता है, जो बोन होता है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका। तो बोनी कैविटी विच सराउंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका, ठीक है, विच इज द कैविटी विच सराउंड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, आ जाओ देखो। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके पास होते हैं दो लोब्स, एक होगा एंटीरियर और एक होगा पोस्टेरियर। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है अपना पोस्टेरियर लोब, और इसी के सामने होगा आपका एंटीरियर लोब, ठीक है। तो दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टेरियर लोब, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है आपका हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, और उसी के नीचे ये जो आपको दो लोब्स दिख रहे हैं, ये क्या है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है लोकेटेड, ठीक है। आप ध्यान से समझो, पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले हमने इसके कितने लोब्स किए? दो लोब्स, एंटीरियर लोब, तो मैं इसको लेबल कर दूंगा, इट इज़ एंटीरियर पिट्यूटरी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस। इसका और एक नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस भी बुलाते हैं। और ये दूसरी जो है, ये है आपकी पोस्टेरियर पिट्यूटरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो दो लोब्स हो गए, एंटीरियर पिट्यूटरी विच इज कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी विच इज कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब जो ये स्टॉक जो कनेक्ट करा रहा है हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, इसको आप लोग कहते हो इनफंडिबुलम, तो इनफंडिबुलम क्या है? स्टॉक विच कनेक्ट्स हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब एंटीरियर वाले पोर्शन के अंदर हम लोग इसको सब क्लासिफाई करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक अवैस्कुलर जोन होता है, ठीक है, ये एक अवैस्कुलर ऐसा कोई जोन प्रेजेंट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है। अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग और दो हिस्सों में बांट देंगे, पहला होता है पार्स डिस्टेलिस, और दूसरा हिस्सा होता है आपका पार्स इंटरमीडिया। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला, इट इज़ योर पार्स डिस्टेलिस, और ये वाला जो हिस्सा है, ये अवैस्कुलर हिस्सा, इट इज़ योर पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। दो हिस्से हो गए, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ये किसके पार्ट्स होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस के, क्लियर है। और जो आपकी पोस्टेरियर पिट्यूटरी है उसको ही हम लोग और नाम दे देते हैं, दैट इज़ पार्स
नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, ठीक है समझ गए आप लोग पार्ट्स, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा, तो तीन पार्ट्स होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, समझ गए एकदम अच्छे से, ठीक है इतना आप लोग समझ गए। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब हाइपोथैलेमस के अंदर होता क्या है, हाइपोथैलेमस के अंदर लोकेटेड होते हैं कुछ न्यूरॉन्स, तो यहाँ पर मैं कुछ न्यूरॉन्स बना दूंगा, तो दे आर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक है तो मैं इनको लेबल करूंगा, दे आर कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक है। अब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज योर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया और दूसरा होता है पैरा वेंट्रिकुलर, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लिया। तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के हमने दो टाइप्स करे, एक होते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया और एक होते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लिया। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स को ही आप लोग और एक नाम दे देते हो, दे आर कॉल्ड एज सिक्रेटरी न्यूरॉन्स, सिक्रेटरी न्यूरॉन्स, समझ गए बात को, तो ये होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स है तो इनके एक्सॉन्स लोकेटेड होंगे, समझ गए बात को, तो ये न्यूरॉन्स है, ओ माय गॉड, हाँ तो ये न्यूरॉन्स है तो इनके एक्सॉन्स होंगे, तो देखो मैं इनके एक्सॉन्स ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये जो एक्सॉन्स है इन न्यूरॉन्स के, ये जो एक्सॉन है इन न्यूरॉन के, ये जाते हैं आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी के अंदर, ठीक है समझ गए, तो ये न्यूरॉन्स कहाँ जा रहे हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के अंदर, समझ गए बात को। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, क्या होगा आपका जो हार्मोन है वो सिंथेसाइज होगा हाइपोथैलेमस के अंदर, यहाँ पर सिंथेसाइज होगा हाइपोथैलेमस, ये जो न्यूरॉन्स है हार्मोन्स को सिंथेसाइज करेंगे और सीक्रेट करेंगे, जो कि इस पाथ इस एक्सॉन के द्वारा आएंगे आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी के अंदर, और आपकी पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिर्फ और सिर्फ इन हार्मोन्स को रिलीज करेगी, समझ गए। तो अगर मैं कहूँ हार्मोन सीक्रेट कौन कर रहा है, तो हार्मोन सीक्रेट आपके कर रहे हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स या फिर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स सीक्रेट कर रहे हैं, और रिलीज कौन कर रहा है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, समझ गए बात को, ऐसा होता है। तो अब ध्यान से सुनो, देखो अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है देखो ध्यान से देखो, पहले तो देखो ध्यान से, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि सिक्रेटरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स ही पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी स्पेलिंग गलत हो जाएगी, बनाते हैं, समझ गए। अब पोस्टेरियर पिट्यूटरी बेसिकली क्या है, ये हाइपोथैलेमस का ही तो पार्ट है, इसका मतलब हमने क्या कहा कि जो आपके सिक्रेटरी न्यूरॉन्स है उनके एक्सॉन्स मिला के पूरे एक्सॉन्स को मिला के ही तो हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं, तो ये पॉइंट मैंने लिखा है सिक्रेटरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स ही क्या है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, समझ गए ओके। अब अगला पॉइंट लिखता हूँ, दिस एक्सॉन्स हैव वेसिकल्स कंटेनिंग हार्मोन्स, ठीक है। अब इन एक्सॉन्स के पास क्या होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर वेसिकल्स होंगे जिनके पास क्या होंगे, हार्मोन होंगे। ये हार्मोन आए कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, यानी कि हार्मोन को सीक्रेट किसने किया, हाइपोथैलेमस ने, और रिलीज आगे चल के कौन करेगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, समझ गए ओके। ये पॉइंट हो गया। अब एक यहाँ पर होती है पोर्टल सिस्टम, ध्यान से देखो पोर्टल सिस्टम, देखो यहाँ पर एक होती है कुछ पोर्टल सिस्टम लोकेटेड, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर एक पोर्टल सिस्टम लोकेटेड होती है, जो कि क्या करती है, इस पोर्टल सिस्टम को पहले नाम दे देता हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जो कि कनेक्ट करती है आपके हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, समझ गए। तो ये पोर्टल सिस्टम क्या होती है, दिस पोर्टल सिस्टम कनेक्ट्स हाइपोथैलेमस विद एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम क्या करती है, हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जोड़ती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हमने बेसिकली स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हमको पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल के बारे में देखना है। ध्यान से देखो भाई, देखो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी की हम लोग बात करेंगे। तो सेल्स इन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो भी सेल्स होते हैं,
इनको हम लोग कहते हैं ट्रॉप्स, ट्रॉप्स। तो इस लोब के अंदर, इस लोब के अंदर जो भी सेल्स होंगे उनको आप लोग क्या कहते हो, ट्रॉप्स, ठीक है, ट्रॉप्स। अब देखो, अब एंटीरियर पिट्यूटरी याद करो, हमने इसको दो हिस्सों में बांटा था। वन सेक्शन वॉज पार्स डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस, एंड अदर सेक्शन वॉज पार्स इंटरमीडिया। दो हिस्सों में बांट लिया था। अब ये कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, हम लोग आज हार्मोन्स के नाम देखेंगे और कल के लेक्चर में हम लोग हार्मोन्स का इंडिविजुअली फंक्शन देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, पार्स डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस के अंदर कौन से सेल्स लोकेटेड होते हैं। फर्स्ट वन इज सोमैटोट्रॉप्स, सोमैटोट्रॉप्स, ठीक है। दूसरे सेल्स होते हैं पार्स डिस्टालिस के अंदर आपके थायरोट्रॉप्स, दूसरे टाइप्स के सेल होते हैं थायरोट्रॉप्स। तीसरे टाइप के आपके सेल होते हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स। चौथे टाइप के सेल होते हैं आपके गोनैडोट्रॉप्स, ठीक है। पांचवे टाइप के आपके सेल होते हैं इसके अंदर लैक्टोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स। तो ये कुछ पांच प्रकार के सेल आपके पार्स डिस्टालिस के अंदर लोकेटेड होते हैं। अब ये सेल्स क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज करेंगे। अब मैं देखता हूँ हार्मोन्स कौन से रिलीज करते हैं। देखो ध्यान से, सोमैटोट्रॉफ सीक्रेट करते हैं आपका सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन, हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो इसको एसटीएच लिख दूँ और इसको जीएच लिख दूँ, तो सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन आपका कौन सीक्रेट कर रहा है, सोमैटोट्रॉफ्स। ओके, अगला हार्मोन देखो, थायरोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स आपके सीक्रेट करते हैं थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को। शॉर्ट फॉर्म्स देखना शुरू करो, आगे से हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इसको हम लोग TSH लिख देंगे। तो ये कौन से सेल्स दे रहे हैं, थायरोट्रॉप्स। ओके, अगला है कॉर्टिकोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स को रिलीज कर, कॉर्टिकोट्रॉप्स आपके दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है, दो हार्मोन्स को। इसमें से पहला हार्मोन होता है आपका एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन और दूसरा इसमें होता है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ये दो हार्मोन्स आपके कॉर्टिकोट्रॉप्स जो है सीक्रेट करते हैं। फिर गोनैडोट्रॉप्स, इसको मैं ACTH लिख सकता हूँ, ACTH, और इसको मैं MSH लिख दूँ, MSH, ठीक है। अब गोनैडोट्रॉप्स, गोनैडोट्रॉप्स आपको पता है FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को देता है, ठीक है। फिर आ जाओ लैक्टोट्रॉफ, लैक्टोट्रॉफ आपका देता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, इसको मैं PRL इससे डिनोट करूंगा। डिनोशंस ध्यान से देख लो, सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन STH, ग्रोथ हार्मोन GH, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, MSH मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड PRL विच इज प्रोलैक्टिन। तो ये हार्मोन जो है आपके ट्रॉफ्स रिलीज करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे पार्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। अब देखो, ये सारे जितने भी हार्मोन्स आपने देखे ये सारे किसके हैं, पार्स डिस्टालिस से आ रहे हैं, एक्सेप्ट वन हार्मोन विच इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये जो आपका हार्मोन है ना, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये आ रहा है आपका पार्स इंटरमीडिया से, समझ गए बात को। तो पार्स इंटरमीडिया से कौन आ रहा है, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन MSH। बाकी पूरे के पूरे बचे वाले जितने भी हार्मोन्स है ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, आपके पार्स डिस्टालिस से आ रहे हैं। एक ही हार्मोन जो है वो पार्स इंटरमीडिएट दे रहा है जो है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो दिस आर द हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखते हैं हम लोग पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ठीक है। देखो पोस्टेरियर पिट्यूटरी, इसका दूसरा नाम हमने क्या कहा था, न्यूरो हाइपोफाइसिस और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पार्स नर्वोसा, नर्वोसा। तो हमने देखा था पोस्टेरियर पिट्यूटरी बेसिकली डायरेक्टली कनेक्शन बना रही थी आपके हाइपोथैलेमस के साथ, यानी कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिर्फ हार्मोन को रिलीज करने का काम करेगी। सीक्रेट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस के दो सेल्स, ये दो सेल्स हमने इनके नाम भी देखे थे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर। तो मैं लिखूंगा पोस्टेरियर पिट्यूटरी के भी दो सेल्स होते हैं, कौन से थे करो याद, एक थे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर और दूसरे इसमें रहेंगे पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियर। अब सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर जो हार्मोन को रिलीज करता है उसको आप लोग कहते हो ADH विच इज़ एंटी
डायूरेटिक हार्मोन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैजोप्रेसिन। और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया ये जो है ये रिलीज करते हैं आपके ऑक्सीटोसिन को, समझ गए। तो ये दो हार्मोन जो है पोस्टेरियर पिट्यूटरी निकालता है। तो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लिया मैंने क्या कहा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी निकालता है, सीक्रेट नहीं करता है। सीक्रेट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लिया दे विल सीक्रेट ADH और वैजोप्रेसिन, एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया दे विल सीक्रेट ऑक्सीटोसिन। समझ गए बात को। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख करके एक बार लिख ही देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। तो दे आर सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी। समझ गए बात को, ठीक है। तो सिंथेसाइज कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, बट रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी। अब एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर कि जितने भी आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं, दे आर प्रोटीन नेचर, ठीक है। समझ गए बात को। तो सारे पिट्यूटरी हार्मोन्स आपके प्रोटीन नेचर के होंगे, समझ गए। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस को, अच्छे से हाइपोथैलेमस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो भाई, तो अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ये क्या करती है, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड इसके सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करती है, हाइपोथैलेमस, समझ गए। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की बाप निकली, ठीक है। तो इधर मैं लिख दूंगा हाइपोथैलेमस क्या है, पिट्यूटरी की बाप है, ठीक है। पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। अब कैसे कंट्रोल करेगा, देखो हाइपोथैलेमस आपके जो है पहले दो टाइप्स के हार्मोन निकालता है, ठीक है। फर्स्ट वन आर रिलीजिंग हार्मोन्स और अदर वन विल बी इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ध्यान से देखो क्या होगा, अगर हाइपोथैलेमस ने मान लो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किए, जो कि अगर ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम से नीचे जाएंगे तो पिट्यूटरी क्या करेगी, सीक्रेट करेगी हार्मोन्स को। अगर इसने इनहिबिटिंग हार्मोन निकाले तो क्या हो जाएगा, जो सीक्रेट हो रहे हार्मोन्स वो रुक जाएंगे, समझ गए बात को। यानी कि अगर हाइपोथैलेमस ने आपके रिलीजिंग हार्मोन्स दिए तो क्या होगा, वो रिलीजिंग हार्मोन्स इस हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम से नीचे आएंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, रिलीज कर देगी। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस ने आपके इनहिबिटिंग हार्मोन्स दिए तो वो हार्मोन्स भी इससे आएंगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम से, और वो जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे उसके सिक्रीशन को रोक देंगे, समझ गए कॉन्सेप्ट। अब देखो रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से, ध्यान से देखो। पहला रिलीजिंग हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका नाम लिख लेना, इट इज़ योर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोक्राइनिन, ठीक है, ओके। दूसरा रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस देती है इट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तीसरा हार्मोन जो होता है वो है आपका GnRH, देखो ध्यान से नाम देखो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तीसरा कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। चौथा जो है वो है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH, और लास्ट होता है आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH, समझ गए। कौन से हार्मोन है एक बार नाम देख लो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन विच इज कॉल्ड एज सोमेटोक्राइनिन, अगला है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, अगला है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगला है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और लास्ट है आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस ने ये वाले हार्मोन सीक्रेट किए तो ये क्या कराएंगे, रिलीज कराएंगे हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। अब सपोज हाइपोथैलेमस ने, देखो ध्यान से पहले हार्मोन पर बात करें, पहला हार्मोन कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होगा आपकी हाइपोथैलेमस क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को यहाँ से सीक्रेट करेगी, जो कि जाएगा हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम से नीचे,
ठीक है, अगर ये आ गया तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, हार्मोन को छोड़ेगी। अब कौन सा हार्मोन छोड़ेगी, नाम से ही समझ रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, तो वो कौन सा हार्मोन निकाल देगा, ग्रोथ हार्मोन को। तो ये कंसेप्ट होता है। तो ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ रिलीजिंग हार्मोन्स के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कौन से हार्मोन को निकाल रहा है, ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। याद आ गया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स बार बार देखो तभी याद होंगे। ठीक है, आगे देखो। अब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, अगर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस ने यहाँ पर रिलीज़ किया, जो कि हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम से नीचे आ रहा है, तो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या निकाल देगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकाल देगी। तो देखो, ये अगर हार्मोन आया तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सपोज ये आ गया तो क्या निकलेंगे, आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। समझ गए, अगर कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आ गया तो कौन सा हार्मोन निकालेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। समझ गए, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, और लास्ट अगर आपका पीआरएच निकला, मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, प्रोलैक्टिन होगा। प्रोलैक्टिन को हम लोग पीआरएल से डिनोट करेंगे, पीआरएल। समझ गए, पीआरएल। तो देखो, अगर मतलब मैंने क्या कहा, ये सारे हार्मोन्स अगर आपके हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किए, जो कि आपके जाएंगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम से एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ट्रॉफ्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो ये सारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो ऑल दिस आर रिलीजिंग हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, एंड ऑल दिस आर द हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ गए, तो मैं यहाँ पर इसको भी लिख दूंगा एक बार, कन्फ्यूज ना हो इसलिए। तो ये सारे हार्मोन्स जो है, दे आर रिलीज्ड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी, और ये सारे जो भी है ये कहाँ से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस। तो ये सारे हो गए आपके रिलीजिंग हार्मोन्स। अब इनिबिटिंग हार्मोन्स, इनिबिटिंग हार्मोन्स दो होते हैं, ठीक है। इनिबिटिंग हार्मोन्स पहला होता है सोमैटोस्टैटिन और दूसरा होता है डोपामिन। तो दो इनिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। देखो, पहला कौन सा है, सोमैटोस्टैटिन। भाई अगर ये हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस ने दिया, कौन सा, सोमैटोस्टैटिन अगर आपके हाइपोथैलेमस ने दिया, तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो इनिबिट हो जाएगा। तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है, किसको इनिबिट कर रहा है, तो इट इज़ इनिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन। किसको इनिबिट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन को। और अगर हाइपोथैलेमस ने डोपामाइन दिया तो ये किसको इनिबिट करेगा, प्रोलैक्टिन को। समझ गए, इनिबिट किसको करेगा, प्रोलैक्टिन को। समझ गए, यानी कि अगर हाइपोथैलेमस ने, पहला कौन सा हार्मोन था, पहला हार्मोन था आपका सोमैटोस्टैटिन, अगर इसने सोमैटोस्टैटिन दिया तो क्या होगा, सोमैटोस्टैटिन विल कम थ्रू हाइपोफाइसियल हाइपोथैलेमो पोर्टल सिस्टम, और क्या हो जाएगा, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में से जो भी ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है उसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर हाइपोथैलेमस ने डोपामाइन दिया, डोपामाइन भी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल सिस्टम से नीचे आएगा और क्या करेगा, प्रोलैक्टिन अगर निकल रहा था तो उसके सिक्रेशन को जो है ये स्टॉप कर देगा। समझ गए, तो ये इनिबिटिंग हार्मोन्स थे और ये आपके थे रिलीजिंग हार्मोन्स। तो दोनों का डिफरेंस समझ गए, इनिबिटिंग हार्मोन्स एंड रिलीजिंग हार्मोन्स, दे आर सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ओके, अब हमने किया क्या है, आज ध्यान से देखो, हमने कवर क्या किया है, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड देखा, और हमने उसके हार्मोन्स पढ़ लिए। ओके, हमने फिर क्या देखा, हाइपोथैलेमस के भी हमने दो हार्मोन्स देखे थे, एक थे रिलीजिंग और एक थे इनिबिटिंग, तो ये भी हमने हार्मोन्स देख लिए। ठीक है, अब हार्मोन्स जो हमने देखे जो कि सीक्रेट हो रहे थे आपके पिट्यूटरी से, वो बहुत सारे हार्मोन्स थे, यानी कि इतने सारे हार्मोन्स थे, ये सारे हार्मोन्स थे ना। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंडिविजुअली इन सबका डिटेल फंक्शन जान के लेना है। समझ गए, तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट डिटेल्स ऑफ हार्मोन्स बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं लिखूंगा यहाँ पर कि नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल हार्मोन्स। क्लियर है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्मोन्स के डिटेल पर जाएंगे। तो आज हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शुरू किया है, तो आज का फर्स्ट लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। मैक्स टू मैक्स आएगा 5 लेक्चर में चैप्टर में कवर कर दूंगा, 5 या 4 में, मोस्टली 4 में ही हो जाएगा, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा तो 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।